नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं विधानसभा समान निर्वाचन को लेकर एक आवश्यक खबर के बारे में। जो खबर है, समस्त महिला रोजगार सेवक, पंचायत सहायक और तमाम जो भी संविदा कर्मी के पद पर तैनात हैं उत्तर प्रदेश में, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशलतापूर्वक संपन्न कराए जाने के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा, कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ़ के द्वारा ये आदेश जारी किया गया, जो समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखा गया है। इस चीज़ को पढ़ के जान के आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से सभी पंचायत सहायकों के साथ साथ रोजगार सेवकों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। दोस्तों, निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सूचना आजमगढ़ से निकल के आ रही, अवगत कराना है कि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर वीडियो कैमरा के साथ वीडियोग्राफी कराई जानी है। उक्त कार्य को संपादित करने हेतु जनपद के समस्त रोजगार सेवक एवं समस्त पंचायत सहायक की तैनाती विधानसभावार व मतदेय स्थलवार की जानी है, जिसमें आप अपने ही विकासखंड के मतदेय स्थल पर रोजगार सेवक पंचायत सहायक की तैनाती की जानी है, जिनमें निम्न कुछ आदेश प्रसारित किए जाते हैं। नंबर एक, सभी ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत सहायकों के लिए बहुत बड़ी सूचना है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर एक, जिन रोजगार सेवकों की ड्यूटी बीएलओ में नहीं लगी है, उनको कैमरा की ड्यूटी में लगाया जाना है, यानी वीडियोग्राफी करना, जैसे कि आप लोगों की वीडियोग्राफी का प्रशिक्षण भी हो चुका है। नंबर दो, महिला रोजगार सेवक को इसमें ना रखा जाए। महिला रोजगार सेवक को इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि महिला रोजगार सेवक अपना मनरेगा का काम देख रही हैं। नंबर तीन, जिन पंचायत सहायक की ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगी है, उन्हें इसमें ना लगाया जाए, क्योंकि एक पंचायत सहायक एक बार में दो ड्यूटी नहीं कर सकता है, इसलिए पंचायत सहायकों की ड्यूटी कंट्रोल रूम में जिनकी लग चुकी है, उनको वीडियोग्राफी में नहीं लगाना है। नंबर चार, पंचायत सहायक महिला पुरुष दोनों की ड्यूटी वीडियोग्राफी हेतु लगाई जानी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि महिलाओं को इस चीज़ को लेके नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि वीडियोग्राफी में आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा और भी तमाम चीज़ों को आपको रिटर्निंग ऑफिसर के साथ ड्यूटी लग सकती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर तत्काल सूचना तैयार कर अधोस्तरीय कार्यालय में सॉफ्ट कॉपी एक्सेल में आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। द्वितीय शासनादेश जो है, सूचना जो है, सभी पंचायत सहायकों के लिए है, ग्राम रोजगार सेवकों के लिए है, जो समस्त सहायक विकास अधिकारी के द्वारा प्रसारित की जा रही है। जनपद आजमगढ़ से निकल के सूचना आ रही है। जैसा कि आपको पता, आने वाले समय में कई चरणों में चुनाव होने वाले हैं, कई चरणों में संपन्न भी हो चुके हैं, तो जिन लोगों को भी ड्यूटी सामान्य निर्वाचन विधानसभा 2022 उत्तर प्रदेश में लगी है, वो अपने काम को, अपने ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक अच्छे से अंजाम दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सरकार आपके काम काज का अवलोकन करेगी। अगर आप काम काज अच्छा करें तो आने वाले समय में आपको अस्थायी करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, समस्त पंचायत सहायक ग्राम रोजगार सेवक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के निवासियों के पास भी इस को आसानी से पहुंचाया जा सके। वीडियो को अंत तक बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।